हाँ जी, एक बार फिर थानू स्वागत है। तो एक दो गल्ला थोड़े ना कर लीए पहला। एक तो मैं थोड़ा आई डी कार्ड फिर दिखा दा, तो तुम देखना होना, तो देखना होना किदा यदा हूँ कि अड़ के आ गए हैं, कि बचिए। पहला गल थानू दसी है कि स्ट्रैटफोर्ड रोड गुरुद्वारा है, तो स्ट्रैटफोर्ड रोड ना साडा की संबंध है बर्मिंघम च, वो थोड़ा दस दिने। अज जदों मैं वकील बनना सगा, मैं अपने यूनिवर्सिटी छड के गया, तो सानू एक चीज़ करनी पैंती, 2 साल का ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट लभना पैंदा, जो कि सब तो औखी चीज़ है लभनी। मैनू मेरे फ्रेंड दे ब्रदर ने लारा लाया सगा कि तू बर्मिंघम आया, तैनू ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट दे दिंदे आ। तो फिर उत्थे मैं तो बर्मिंघम करे गया नहीं सगा, तो फिर उत्थे मैं उही काम किया जो साडे फौजी भाई करते आ इंडिया तो। मैं गुरुद्वारे गया, तो उत्थे प्रधान नूं मिलिया, उत्थे यानी जगतार सिंह मिले, तो उन्होंने पूछा जी मैंने तो किराया कमरा चाहिए। तो उन्होंने फिर मैनू एस वी रोड से मैं चेता से कि घर उ फिर मैं रहा, तो उत्थे मुंडिया ना रहा, ज्ञान राणा सेवक सारे असं कट्ठे ही होंगे सके। तो अंकल साडा हुंदा सी मीट बहुत वधिया बनाउंदा सी, असी कट्ठे रहे हैं। तो इन्हां च रह के मैं काफ़ी 8-9 महीने इन्हां नाल रहा, काफ़ी लाइफ देखी उत्थे, कि तंगियां जो आम तौर पर मुंडिया ने होंगे। तां फिर मैं सोचा सी ते मैं इमीग्रेशन लॉ करा, तो अपने बंदियां दी मदद करा जो फसे हो। तो स्ट्रैटफोर्ड रोड गुरुद्वारे मैं अपना पहला रेडियो शो शुरू किया, जो किया एक मुंडा मिलना होंदा सी जो कि हुण कौंसल सिख गुरुद्वारे राज कंग ते जतिंदर वॉलसोल तो, दोनों ना मैं अपना शो शुरू किया सी रेडियो ते। ते उहदे बाद तुसीं सवालां दे जवाब तुसीं लोकल रेडियो स्टेशन हुंदा सी, 28 दिन दा लसंस हुंदा सी साडे कोल, ते उहदे विच काफ़ी उन्होंने मेरी मदद की, उन्होंने मैं इस राह पाया। तो ही मेरा स्पैशल तो आ स्ट्रैटफोर्ड रोड गुरुद्वारा वा, तो वह दिन कदे असी भुली दे नहीं। जो तुम कहने कि भाजी थानू कि पता कि असी कि रहने कि नहीं, थानू सारी इनसाइट कि, मैं भी थोड़े नाल ही रहा, तो सारिया गलों का मैं पता है कि किदा रेंदे हैं कि नहीं, तो खुद मैं महसूस किया। तो मैं थोड़े ज़्यादा इस चीज़ वाल थोड़े ज़्यादा हमदर्दी करता। कदे लोग कहें भाजी तू ज़्यादा करदा फौजियों का, तू उन्हां दी हैल्प करदा या इत्थे दे पक्कियां दी नहीं करदा। देखो जी, ये कोई युद्ध नहीं हैगी आपस में कि जी पक्के वधिया है या फौजी वधिया या फौजी माड़े या पक्के माड़े आ। असी सारे एक कम्यूनिटी हाँ, ये सारे एक दूजे के हिस्से हाँ असी। तो मैं हमेशा यही कहना हूँ जी, बाँह तो थोड़े फिणसी हो जाए तो तुम बाँह भी वढ़ दी, इलाज लभीदा होंगे। तो अगली बार नूं देखीदा कि की मैं करा सही ता कि मेरे फिणसी ना हो दोबारा। तो ज जिदा मर्जी असी थानू कही लाड प्यार थानू जो मर्जी कहीए, तुम माड़े हैं या चंगे हैं, तो तुम साडे अपने ही हाँ, तो सानू भी तकलीफ है। हाँ, थानू एक चीज़ कही हूँ कि तुम थोड़े ना लोग मदद करना चाहते हैं, इतने के जो अपने पक्के है पक्के बंद नहीं ही थोड़ी मदद थोड़े लिए आवाज़ उठानी है, तो तुम पक्के होना है। तुसी कच्चे हो के जिन्ना मर्जी रौला पाई जाओ, ना थोड़े को वोट है, ना थोड़ा कोई पुछता, इतने गौरमेंट पुछती है, ना कोई अगले नूं कह रहा थोड़े बारे, राइट। पक्के बंदियां नूं तुसी नाल रलाओ, अपनी आदतां अच्छियां बना के तो सही तरीके नाल चलो। जिहड़े बंदे गलत थोड़े चो कम करदे आ उन्हां नूं रोको, तो उन्हां नाल अपना अपना एसोसीएशन दूर रखो, क्योंकि कुछ गलत बंदियां करके तुसी सारिआं नाल तुहाडे कलंक लग जांदा है, तो वह बहुत माड़ी गल आ तुहाडे लई। तो आ चीज़ है कि सारे मुंडिया ना मैं रहा हाँ, तो मैं बर्मिंघम ना खास लगाया, मेरे नाल भी धोखा होया। वो जरा बंदा कहिंदा सी मैं तैनूं जी वकील बना दूँ, मेरे तो 8 महीने फ्री काम कराया, तो नाले जी पुछो ना जी एन 24 घंटे काम कराया, हुण आप तो पैसे बना गया। पर चलो चंगीआं दरसीसां दित्तियां मैं भी उहनूं, क्यों जिहड़ा बंदा तुहाडे नाल गलत करदा तुहानूं दरसीस देनी चाहीदी, उहनूं सच्चे दिलों जिहड़ी बददुआ जरूर लगदी है। तो साढ़े नाल भी धोखा हुंदा, असी धुक धक्के खा खा के 2 साल का जो ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट से मैं 4 साल लगे उन्होंने करने लई। तो कोई कोई फ्री करता सी, कोई पैसे नहीं दिंदा सीगा, कोई बहाने बनाउंदा सी, 7 दिन काम करवाउणा, अद्धी रात नूं फोन चक्कणे पैणे आ, उत्थे ही सौंदा सी, ना हीटर सी ना कारपेट सी। तो वह भरावा बहुत मैनूं दिन औखे कट्टे आ, तां ही असीं वैल्यू करीदा। तो लोग सोचदे कि वकील बनना बहुत सौखा आ, तो हरजाप सिंह भंगर एवें नहीं बनया, धक्के खा के बनया। फिलहाल मैं थोड़ा कार्ड दिखा लैंदा आई डी वाला मुड़ के, यह हैगा आई डी कार्ड जो नवा शुरू होया, जो कि ब्याह वाले जो आए हैं तो स्टूडेंट जोड़े आए वा उन्हां लई बनया गया है। इत्थे थोड़ी फोटो आती, इत्थे नौ इत्थे कदों शुरू आ, कद तक वैलिड हैगा, किस कैटेगरी विच थानू इजाजत दित्ती है, तुसी कम कर सकदे हां या नहीं।
ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਿਮ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਵੰਗ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿੰਗਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 2014 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਆ ਈਵਨ ਜੋ ਪੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਕਿ ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਆ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਆਹ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀਆਂ